नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 15 मई 2024 की सुबह है, 5:45 पर सूर्यदेव अपनी वर्तमान मंगल से प्रभावित मेष राशि को छोड़कर शुक्र से प्रभावित वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 14 जून 2024 तक सूर्यदेव वृषभ राशि में ही संचरण करने वाले हैं। इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है। इस राशि परिवर्तन का वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता सूर्यदेव देने वाले हैं और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो वृषभ राशि वाले जातकों, सूर्य के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सभी नवग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है और सूर्य को एक प्रभावशाली ग्रह माना गया है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर सूर्य का ही आधिपत्य होता है। कुंडली पर सूर्यदेव अगर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो जीवन में कई प्रकार की सफलता देखने के लिए मिलती है। बलवान सूर्य के प्रभाव से जातक के अंदर ऊर्जा शक्ति, मनोबल और जीवनी शक्ति की प्रधानता होती है, यानी ये सभी चीजें काफी ज्यादा जातक के अंदर होती है। सूर्य अगर बलवान हो तो सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता देखने के लिए मिलती है। बलवान सूर्य के प्रभाव से जातक के जीवन में मनोबल का विकास होता है। अगर कुंडली पर कई ग्रह कमजोर अवस्था में विराजित हो, केवल एक ग्रह सूर्यदेव अगर बली अवस्था में विराजित हो, तो जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। और वृषभ राशि वाले जातकों, सूर्य की अवस्था यदि जन्म कुंडली पर पीड़ित हो तो जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। पीड़ित सूर्य के प्रभाव से मनोबल की कमी, हड्डी जनित बीमारी, पेट जनित समस्या, वहीं सूर्य के खराब होने पर पिता और पितातुल्य लोगों के साथ संबंध ही हमेशा खराब रहता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। वृषभ राशि वाले जातकों, सूर्यदेव आपके राशि के लिए आपके सुख भाव के स्वामी माने जाते हैं। जो 15 मई 2024 को आपके प्रथम भाव यानी आपकी राशि में ही प्रवेश करने वाले हैं। आपके राशि में पहले से ही देव गुरु की मौजूदगी है, तो सूर्य ग्रह गुरु ग्रह के साथ युति बनाकर गज केसरी योग भी बनाने वाले हैं। इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार से सकारात्मक प्रभाव मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपके जीवन में मनोबल आपका विकास काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। प्रथम भाव पर सूर्य प्रभावी है, तो इस समयावधि में उत्साहित होकर वृषभ राशि वाले जातक काम करते हुए नजर आने वाले हैं। इस समयावधि में आपके जीवन में सरकारी, राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्रों में जिन जातकों का जुड़ाव है, उनके लिए समय शुभ रहने वाला है। इस गोचर काल के दौरान गुरु बृहस्पति के साथ सूर्य मौजूद है। एजुकेशन फील्ड में जिन जातकों का जुड़ाव है,
यानी आप इस समयावधि में शिक्षा के क्षेत्रों में यदि आप जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं तो परीक्षा प्रतियोगिता में आपको उच्चतम सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। इस गोचर काल से आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग वर्क प्लेस पर मिलेगा और कर्म स्थल पर जो वातावरण है वो काफी सकारात्मक बनने वाला है, यानी वर्क प्लेस पर सकारात्मक वातावरण इस समयावधि में बनने वाला है। सूर्य के इस परिवर्तन से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक स्थिति सकारात्मक बनने वाली है। जिन जातकों का जुड़ाव वैवाहिक जीवन में है और पिछले समय से यदि आपको किसी प्रकार की नकारात्मकता मिल रही है, वैवाहिक खुशहाली इस समयावधि में देखने के लिए मिलने वाली है। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर जाने वाली है, तो इस समयावधि में धन की वृद्धि भी आपके जीवन में होने वाली है। कई स्रोतों से आपके जीवन में धन लाभ होने वाला है। इस प्रकार का प्रभाव वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों सूर्य जनित दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए इस समयावधि में आपको तांबे के लोटे में जल भरकर मीठा जल बनाकर सूर्य को अर्पित करना शुभ रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को रविवार के दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में यदि आप गेहूं, तांबा, गुड़, खांड या लाल चंदन का दान करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।